आज हम बनाएंगे चीज़ी पोटैटो फिंगर्स। तो जिसके लिए लेंगे हम 3 आलू, जिन्हें हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था और इन्हें बहुत ही अच्छा सा उबाला है, बिल्कुल गल चुके हैं ये और इसमें पानी एक भी बूंद नहीं है, बिल्कुल इन्हें ड्राई कर लिया था। और इसे अब हम मेश करेंगे बिल्कुल बारीक, इसमें ज़रा से भी आलू के टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए इस तरह से। और आप चाहें तो इसे हाथ से भी मल सकते हैं, मलकर इसको एकदम पतला कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक। और ये हमने कर लिया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के बटर। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम ये गार्लिक, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन 1 चम्मच गार्लिक था ये, और वैसे नापा जाए तो 2 से 3 लहसुन की कलियां बड़ी बड़ी सी। और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज, ये बिल्कुल बारीक चॉप प्याज है, जितनी बारीक हो सकती है आप इतनी बारीक कर लीजिए। और ये हमने एक छोटी प्याज डाल दी इसमें। और इसमें डाल दिया हरा धनिया थोड़ा सा। और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर ऑरिगेनो। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च एक दो डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई, तो इसे थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाएगा। और उसके बाद ये मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच और, ये हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है इसके अंदर। और अब हम इसे भी हल्के हल्के से हाथों से बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ताकि जितने सारे पोटैटो में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाइए। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसकी कोटिंग के लिए देख लेंगे। तो हमने ये लिया है ब्रेड क्रम, और उसके बाद लेंगे सूखा मैदा, ये थोड़ा सा लिया है सूखा मैदा। इसके बाद लेंगे हम 1 अंडा और इसे अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे। और उसके बाद अब हम अपने पोटैटो फिंगर्स बनाना शुरू करेंगे। तो लेंगे थोड़ा सा पोटैटो और इस तरीके से एक गोल सा पेड़ा ले लेंगे, और उसके बाद इसे एकदम फ्लैट कर देंगे। और उसके बाद इसके बीच में ना चीज़ रख देंगे इस तरीके से। ये हमने 2 चीज़ रख लिए थे, टुकड़े थोड़े बड़े बड़े से काट लिए थे। अभी पोटैटो के बीच में ना सारे चीज़ को अच्छे से ना दबा दबा कर इसको कवर कर देंगे चीज़ को, ताकि कहीं से भी चीज़ ज़रा सी भी नज़र ना आए, नहीं तो ये जब हम फ्राई करेंगे ना तो उसमें निकल जाएगी चीज़। तो फिर हमें इसी तरीके से इसे बनाना है। ये हमने 1 बना लिया है, और उसके बाद दूसरा भी पेड़ा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा चपटा करेंगे और ये हाथों में नहीं चिपकेगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें फिर से चीज़ बीच में रख लेंगे, और उसके बाद इसे भी इस तरह से कवर कर देंगे, बिल्कुल चीज़ छुपा देंगे, मतलब आलू के अंदर बिल्कुल ज़रा सी भी नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद इसे इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे, ऐसे रोल रोल कर लेंगे। और ये हमारी दूसरी भी बनकर तैयार हो गई है। और ये हम सारी बाकी की इसी तरीके से बना के रख लेंगे। और ये बहुत अच्छे से तैयार हुई, हमने सारी चीज़ छुपा दी है इसके अंदर। और उसके बाद हम ये मैदे में लगाएंगे, पहले कोट करेंगे बहुत अच्छे से। और अभी अच्छे से कोट हो चुकी है, तो फिर अब हम इसे डाल देंगे एग में, और इस तरीके से स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरा एग में कवर कर देंगे इसको। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक हाथ सूखा होना चाहिए, नहीं तो जितना ब्रेड क्रम है ना वो ख़राब हो जाएगा, अगर हम गीले हाथ से उसी हाथ से ब्रेड क्रम में अगर इसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम में डाल के अच्छी तरीके से इसमें भी कोट कर देंगे, और ये पूरा एक बन के तैयार हो चुका है, अच्छे से फुल कोट हो चुका है। उसके बाद दूसरा लेंगे, इसी तरीके से मैदे में मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे डाल देंगे एग के अंदर। और उसके बाद इसे भी इस तरह से पूरा कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से पूरा एग में मिक्स हो जाइए। और उसके बाद दोबारा से इसे ब्रेड क्रम में डाल देंगे, और इसे हाथों से इस तरीके से डाल देंगे, और इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड करके इसे मतलब इस तरह से कर लेंगे पूरा तैयार। और हम बाकी के भी इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमने बना के रख लिए, और ये बढ़िया से कोट हो चुके हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद ये ऑयल गरम कर लिया था हमने हाई फ्लेम पे, और फिर उसके बाद मीडियम कर दी थी इसकी आँच। और उसके बाद ये हमने पोटैटो फिंगर्स एक एक करके इसमें डाल दिए, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जितनी चीज़ है ना आपस में टकरा कर सारी बाहर आ जाएगी निकल कर। और इसे हल्के हल्के से ऑयल में चलाते रहेंगे चम्मच, आराम आराम से बिल्कुल, ताकि इनका कलर सब एक जैसा रहे, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो जाए। तो इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है, और सब तरफ से इसे अच्छे से चला लेना है। और इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट ब्राउन रखना है, इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और ज़रा ज़रा सी इसमें से ना चीज़ थोड़ी थोड़ी सी बाहर आ गई चलाने में।
आप ध्यान से करें, मेरे जैसे भी ख्याली में ना करें। और उसके बाद दूसरे और दोबारा से इसी ऑयल में दोबारा डाल देंगे और उसको भी इसी तरह से चलाएंगे आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो स्लो। और सब तरफ से इसको भी अच्छा सा कलर दे देंगे, लाइट ब्राउन। और अभी बन चुके हैं तो बस हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इन्हें कर लेंगे सर्व। और ये हमारे क्रिस्पी से पटैटो चीज़ फिंगर्स बनकर हो चुके हैं तैयार। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। और ये इनके अंदर की सारी चीज़, और ये बनके हो चुके हैं तैयार। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।